आज की हमारी वीडियो एनएस स्टूडेंट्स अप्रैल 2022 वाले बच्चों के लिए है और उन बच्चों को प्रमोशन मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अब नई खबरें आ रही हैं उस खबर के मुताबिक मैं आपको बताऊं, अभी तक आप ये जानते थे कि कोविड का जो वेरिएंट है जिसका नाम है ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसके बारे में आप जानते थे कि ये किस तरीके से तेजी से फैलता है पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा, लेकिन शायद आपको अभी ये नहीं पता कि ओमिक्रॉन के बाद भी जो है एक नया वेरिएंट है जिसके बारे में रिसर्च में आ चुका है, यानी कि ओमिक्रॉन के बाद एक नया वेरिएंट इसी का जो है बदला हुआ रूप जो है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो है ये कोविड का जो सिचुएशन जिस तरीके से चल रहा है ये ऐसा जानलेवा बनता जा रहा है और खास तौर पे अब खबरें इतनी ज्यादा आपको बेचैन कर सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत सारे ऐसे केस सामने आए हैं जिस केस के अंतर्गत जिन लोगों ने जो इंजेक्शन लगाया था, वैक्सीनेशन लिया था, बकायदा उन्होंने 2 इंजेक्शन लगवा चुके हैं और उसके बाद भी उन्हें कोविड हो चुका है। तो ऐसे में जो है अब बात आ जाती है क्या वैक्सीनेशन सेफ है नहीं। अब जिनको कोविड हो गया अब जिसके बाद वैक्सीनेशन लेने के बाद, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितना टफ हो जाता है। हमें प्रमोशन चाहिए, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और प्रमोशन चाहिए क्योंकि इसके हमारे पास जायज रीजन है। हमारे पास जो है कमेंट बड़ा पड़ा है जिसमें आप लोगों ने अपनी परेशानियों को बताया है। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि किस तरीके से प्रमोशन के लिए हमें एक साथ आने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट एनएस मेंबरशिप चैनल। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस मिशन में आपका साथ आना जरूरी है। बेल आइकन में ऑल वाला जो है आपको प्रेस करना है ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिले, और ये नंबर दिख रहा है इस नंबर को आप जरूर सेव कर लें आज नहीं तो कल। ये आपको एनएस से कोई भी परेशानी है घर बैठे, आप सही सुन रहे हैं, घर बैठे केवल एक कॉल करके आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है और इसके बाद आप अपनी परेशानियों पे जो है घर बैठे जानकारी ले सकते हैं। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, और वो भी एक दिन नहीं पूरे 30 दिनों के लिए। तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा रास्ता हो जाता है कॉल मी फॉर ऐप। ये जो सुविधाएं हैं केवल हम ही चला रहे हैं और आपको पूरे यूट्यूब पे दूसरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है एनएस का जो इस तरह की सुविधाएं आपको दे, और जरूरत पड़ने पे हम आपकी परेशानी को लेकर नोएडा हेड ऑफिस तक भी जाते हैं। प्रमोशन का जो सबसे बड़ा रीजन हो जाता है कि बच्चों की बुक्स जो है उनके पास नहीं पहुंची है। आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं जिनमें आपने बताया कि सर जब हमारे पास बुक्स ही नहीं पहुंची तो हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। ये एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है। देखिए, प्रमोशन की बात जो है वो अपनी जगह जायज है, लेकिन बात हो जाती है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई करें तो कैसे करें। जब एनएस बोर्ड ने एडमिशन के टाइम पे बुक्स के पैसे लिए हैं तो अब एनएस बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो बुक्स जो है बच्चों के पास पहुंच जानी चाहिए, या फिर एनएस बोर्ड चाहे तो एनएस बोर्ड इस बुक्स को ऑप्शन बना दे, यानी कि आप ये बच्चे के ऊपर छोड़ दे कि अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो आपके इतने चार्ज लगेंगे, अगर आप बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है। तो ऐसा भी अगर बना दे तो इस तरीके से क्या होगा कि बच्चे जो है अपने हिसाब से और उन अपने दोस्तों से पहले पता कर लेंगे कि क्या बुक्स इनके आते भी है नहीं आते हैं। उनको पता चल जाए कि बुक्स टाइम पे मिलता ही नहीं है तो क्यों बच्चे अपना पैसा बर्बाद करेंगे, क्योंकि एनएस के अंदर पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे जो हैं वो किसी न किसी कारण से जो है किसी न किसी मजबूरी से एनएस के अंदर जो है एडमिशन उन्होंने लिया है। तो अब ऐसे में जब वो पहले से ही मजबूर हैं तो क्या उनको और ज़्यादा मजबूर किया जाना चाहिए, ये एक सवाल है एनएस बोर्ड से। इसका जवाब जो है मतलब मिलना चाहिए और हमें इसका जवाब जो है एनएस बोर्ड से जरूर लेना चाहिए। ये हमारा जो है मुद्दा रहेगा, आगे हम इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी जरा हम लौट आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जो दूसरा है कि जैसे कि बातें चल रही है ऑनलाइन एग्जाम की, बहुत सारे आप में से आपने हमें बताया कि सर ऑनलाइन एग्जाम ले लेना चाहिए, लेकिन बात आ जाती है कि जैसे टीएमए अपलोड करने गए तो टीएमए को अपलोड करने वक्त में भी जो है बहुत सारी परेशानियां आ रही है। मेरे पास मैसेज आपके बहुत सारे आते हैं, मैं देखता हूं उनको। तो आप बताओ क्या आपको लगता है कि एनएस बोर्ड का जो ये ऑनलाइन पैटर्न होगा वो सक्सेस हो सकता है? मुझे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। और क्या आपको लगता है कि ट्रस्ट मतलब ये जो है आप ट्रस्ट करते हैं कि ऑनलाइन वाला जो है इनका सक्सेस
सक्सेस हो पाएगा, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। इसके आगे अगर आपके पास कोई और भी रास्ता है, आपके पास और भी सुझाव है, तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी जो है हम आप लोगों के पूरे कमेंट्स को लेते जा रहे हैं, और ताकि जो है उसके ऊपर एक प्रॉपर एक लेटर एलएस हेड ऑफिस को दिया जाए। इसके आगे बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो है जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि देखो, जब तक अगर हमें अपनी बातों को उनके ऊपर डालना है, अपना प्रेशर बनाना है, प्रेशर क्रिएट करना है, तो जिसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप सभी लोगों का एक साथ आना, इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप लोग मेरे ट्विटर अकाउंट को जरूर फॉलो कर लीजिए, ताकि हम अपनी बात, अपने मुद्दों को एनएस बोर्ड को, उनके अधिकारियों को, उससे रिलेटेड और एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ तक पहुँचा सके, जिसके लिए जरूरी हो जाता है आप लोगों का साथ आना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बने रहना जरूरी है, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्विटर अकाउंट का लिंक दिया है, उसको जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जब तक मैटर ट्रेंड में नहीं आएगा उसे मीडिया कवरेज नहीं मिलती, और जिसको मीडिया कवरेज मिल गया तो नॉर्मल सी बात है वो मुद्दा फिर छाएगा। इसके आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोविड का जो आप अभी जो देख रहे हैं वो है ओमिक्रॉन, लेकिन एक रिसर्च में जो है अभी कुछ दिन में आपको भी जानने को मिलेगा कि ओमिक्रॉन के बाद एक दूसरा नया वेरिएंट है, उसका बीएल समथिंग कुछ नाम है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आप, ताकि ये जो जानकारी है आपसे छूटे ना। तो बात आ जाती है, वो जो दूसरा वेरिएंट आ रहा है, तो ये जितने भी वेरिएंट्स हैं ये क्या है, जानलेवा है। अब सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये बन गया है कि जिन्होंने डबल इंजेक्शन जिन्होंने ले लिया है उनको भी कोविड हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी कोविड हो चुका है, और उन्होंने परेशानियों को देखा है, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से उनके जान के ऊपर बनाई, कि यानी कब है कब नहीं, कितना डर का माहौल, और ऐसे में पढ़ाई कौन कर सकता है, इस बात को आप भी समझ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर हमें ऑलरेडी कोविड हो चुका है, और इस परेशानी से, इस मुसीबत से हम एक बार निकल चुके हैं, सर दोबारा इस मुसीबत में हम नहीं जाना चाहेंगे। इसके आगे बात करते हैं, आपको मैं बता दूं कि आप ये सारे पॉइंट जो आ जाता है, इस पॉइंट्स के लिए जो है ये तभी सक्सेस हो पाएगा जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। और अभी मैं आपको जो है एक गुड न्यूज देने जा रहा हूँ, जरा उसको समझ लीजिए, क्योंकि देखिए आपके लिए पढ़ना जरूरी है। हमारा एक दूसरा चैनल है ओनली ट्रिकी इंग्लिश गुरु, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रात को 8 बजे इस चैनल पे हम आपको लाइव प्रैक्टिस कराते हैं इंग्लिश की, तो जरूर इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और रात को 8 बजे जरूर लाइव प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, क्योंकि सीखना आपके लिए जरूरी है, स्टूडेंट लाइफ है, अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे, और अभी आपकी नॉलेज अच्छी नहीं होगी और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, तो देखो इंग्लिश अच्छी होने से फ़ायदा क्या है, आप कोई हायर एजुकेशन लेना चाहेंगे इंग्लिश मीडियम हो जाता है, आप मान लो कोई आगे जो है किसी प्रकार का प्रोफेशनल लाइन, मतलब जैसे कि CA CS कुछ करना चाहते हैं वो भी इंग्लिश में हो जाता है, आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं जॉब इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, तो यानी इस तरीके से अगर इंग्लिश नहीं तो सफलता नहीं। तो बात आ जाती है कि अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो 12th के बाद जो है नॉर्मल सी बात है कि आप जॉब करना चाहेंगे तो इसके लिए इंग्लिश आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कॉल सेंटर की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कि आप अगर एक अच्छी मॉल के अंदर भी जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपके लिए इंग्लिश आना कंपलसरी होता है। तो ये सारी बातें आप समझ गए, और एनएस का ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग पढ़ाई ना कीजिए, मैं ये कहता हूँ कि जो सिचुएशन है, जो आंखों से हमें दिख रही है, उसके ऊपर आंख भी तो बंद नहीं किया जा सकता है, हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, और ये कोशिश सफल होगा, इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों का साथ मुझे मिले, और साथ मिलेगा सफलता जरूर मिलती है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, आप और कुछ कहना चाह रहे हो अपनी सभी परेशानियों को आप जो है कमेंट में जरूर बताना मुझे, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।